देखते हैं हम लोगों का आज का चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन आपके बुक से है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसा कि नाम से ही साफ पता चलता है कि बिजनेस का स्वभाव हमको पढ़ना है, कि बिजनेस का नेचर क्या है और हम बिजनेस करते क्यों हैं। इसकी शुरुआत हम करें तो हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ को समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है। ये टॉपिक आपको बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी मिलेगा और यही टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलेगा। तो एक तीर दो शिकार आपका यहाँ से हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। आप ही सोचो ना, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब ही क्या है? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम कहीं ना कहीं एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, किसकी? मेरी और आपकी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ? एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, एक इंसान, हम और आप जैसे लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिन कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जो काम हम और आप कर रहे होते हैं ताकि मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से कट जाए, इसका मतलब हम उसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। कहता आपसे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, हम उसे दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला बोला फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और हमारा दूसरा ग्रुप है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ध्यान रखिएगा, हम और आप जैसे लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हर वो काम जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। यानी एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हर वो काम कर रहा है जिसके पीछे उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग है। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से आपने अगर कोई भी काम कर लिया, इसका मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी का वो कौन सा पार्ट होगा? तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए ये ह्यूमन एक्टिविटी है, और ह्यूमन एक्टिविटी में कौन सा है? तो आप इसे क्या कहोगे? नॉन इकोनॉमिक। तो इसके पीछे मेरा पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप सब अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक होना चाहिए? तो आप पढ़ रहे हो, इसके पीछे भी पर्पस एट लास्ट क्या है? इन फ्यूचर पढ़ क्यों रहे हो, इसके पीछे पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो आज आपके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है, क्योंकि आप पढ़ इसलिए रहे हो ताकि हम बड़े होके पैसा कमाएं। यानी आप इस बात को पूरी तरह से समझ सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो देखिए, साफ साफ आपको मिलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल टू अर्न मनी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये वो एक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म किया जाता है, क्यों? ताकि हम क्या कमा सके? पैसा कमा सके। यानी अल्टीमेटली इसका गोल सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ जाता है? पैसे पे जाता है। यानी पैसा कमाने के उद्देश्य से जो काम हमने कर लिया, चाहे आप जिंदगी में जो कुछ करो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब कहता है दीज एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये जो एक्टिविटी है वो उसमें एंगेज हो सकता है। क्या क्या भाई? तो हम इसके लिए किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं कि बेच के हमको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। या हो सकता है कि आपसे कहता है कि या नहीं तो हम एक्सचेंज कर रहे होंगे किसी गुड्स या सर्विसेज को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इन सभी एक्टिविटीज को हम नाम क्या देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं आखिर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का और कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स को अगर आप देखेंगे तो कहता है आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। जैसा कि आपको इस पूरे पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये सारे लोग किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनके काम करने के पीछे इनका पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो इनका जो जॉब है ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपको दिखता है कि एक टीचर जॉब कर रहा है किसी स्कूल में, बच्चों को पढ़ा रहा है। देखिए, आपके सामने ये मोहतरमा है, इन सारे बच्चों को लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा रही हैं मैडम। तो मैडम का ये जो सर्विस है वो क्या है, क्या मोटिव है? पैसा कमाना। एटलीस्ट इनका मोटिव क्या है कि साल के अंत में या महीने के अंत में हमको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो पैसा कमाना मोटिव है।
इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो एक डॉक्टर का अपने पेशेंट को ट्रीट करना, उसको क्योर करना इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। वैसे ही आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय या होलसेलर टू रिटेलर। एक होलसेलर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है, और इन ढेर सारे सामानों को यहाँ किसी रिटेलर को उसको बेचा जा रहा है। होलसेलर्स की तरफ से रिटेलर को क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो एक होलसेलर भी अगर अपने गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है किसको, रिटेलर को, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है ये। क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। चलिए दूसरा हम आते हैं, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हम आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो कहता है द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाई एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पर्सन, हम और आप, एक सिंगल पर्सन। यानी कहता हमसे कि एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी इंडिविजुअल के थ्रू की जाती है, यानी हम और आपके द्वारा किया गया हर वो काम जिसके पीछे हमारा मोटिव क्या होता है, तो गेटिंग क्या, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है मानसिक संतुष्टि। मतलब मेरे द्वारा किया गया हर वो काम जिसमें मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं था, हमने वो काम जरूर किया, लेकिन हमने क्यों किया, अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन किसको कैसे मिल सकता है, जैसे किसी ने चैरिटी कर लिया, दान कर दो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना सभा में शामिल हो जाओ, किसी गरीब का कुछ भला कर दो, कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रोड क्रॉस करवा दो, किसी का एक्सीडेंट हो गया था आपको दिख गया आप उसको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसका मदद कर दो। ये क्या है, क्यों करते हो आप अपनी लाइफ में, क्या इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा ही पैसा है। आखिर हम और आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं इन कामों में भी इंगेज होते हैं कि नहीं होते। क्या आप इन चीजों को अपनी लाइफ से हटा सकते हो, सिर्फ पैसा ही पैसा कर सकते हो क्या? तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इन चीजों के साथ भी चलता है। इसका मतलब कि ये कौन सी एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलते हैं हम, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया बात। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या मतलब था, कि एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हर वो काम कर रहा है जिसके पीछे उसका मोटिव क्या होता था, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्निंग, तो वो इकोनॉमिक है। और पैसा कमाना मोटिव नहीं है तो क्या मोटिव है भाई, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है, तो डोनेशन से मिल सकता है, चैरिटी से मिल सकता है, प्लांटेशन कर लो उससे मिल सकता है, किसी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लो उससे मिल सकता है, जम के खेल लो तो मिल सकता है, किसी का भला कर लो तो मिल सकता है। यानी इन चीजों को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे सोशल सर्विसेज कर लो लाइक चैरिटी या डोनेशन, इसमें आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे इस पिक्चर्स के अंदर मिल रहा होगा कि यहां एक महिला है जो इन गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, गिफ्ट दे रही है या फिर जो भी मदद कर रहे होंगे उनको, तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए तो कर रही है इसको, मदद करके कहीं ना कहीं ये जो इन बच्चों को मदद कर रही है, पैसा उनका खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन पैसा खर्चा करके भी वो मदद कर रहे हैं, मतलब चक्कर क्या है, सिर्फ साइकोलॉजिकली उनको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपकी माता जी आपके आने से पहले आपको खाना वाना खिला के भेजी होंगे टाइट करके, पढ़ने में मन लगेगा, तो इनके पीछे इनका क्या लालच है कि आज हम तुमको खिलाते हैं तो बुढ़ापे में हमको भी खिलाना, क्या लालच है क्या? मतलब बिना किसी लालच, बिना किसी भेदभाव के आपके साथ कहीं ना कहीं आपके सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, आपका पूरा ख्याल, आपके अच्छे बुरे में आपके साथ, मतलब क्यों, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो आपकी मम्मी है, आप उनके बच्चे हैं, इस वजह से शायद फीलिंग सही है सिर्फ। इसी तरह से इस तरह का गेम याद कीजिए, बचपन में आपने ऐसा मजा कब किया था आखिरी बार, ऐसा मजा, ऐसा मस्ती कभी मिलेगा अब? मतलब सारे बच्चे एक फुटबॉल लेकर मारे जा रहे, मतलब कोई गोल इसका है कि हमको गेम जीतना है, बस एक बॉल मिल गया, बस सारे लोग दे लात पहुंचे जा रहे हैं, जिधर भी बॉल जहां जाना जाए, बस अपने को एंजॉय करना है। इसका मतलब इन बच्चों का ये काम क्या है, सिर्फ इन्हें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये सब एग्जांपल, कुछ भी कर लो, ये सारे एग्जांपल्स आपको किसमें दिखाएंगे, तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ठीक है, अब हम ये तो समझ लिए, यानी हमने अभी तक ये समझ लिया कि सर ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है,
ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये हो गया और ये भी हो गया। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे सिलेबस में और आगे नहीं जाना है। हालांकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE करिकुलम इसके आगे मुझे पढ़ना नहीं है। तो जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं उस पर बहस करना बेकार है। तो हमको पढ़ना कौन सा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और उसके सारे टाइप्स, इसको हमें देखना है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने ग्रुप में बांटा गया, देखो जैसा कि अभी हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हर वो काम जिसके पीछे मेरा मकसद आपका मकसद क्या था, पैसा कमाना। आप सोचो अगर हम इनडायरेक्टली अगर ऐसे देखना शुरू करेंगे तो एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अगर वो पैसा कमाने के लिए कितना काम कर रहा है, तो आप सोचो ना, कोई खेती कर रहे होंगे, कोई मछली अंडा मुर्गा बेच रहा होगा, कोई पंचर चिपका रहा होगा, तो किसी के राशन का दुकान होगा, किसी की इंडस्ट्रीज फैक्ट्री होगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा। तो अगर आप ऐसे इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अलग 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 काम में इन्वॉल्व होंगे। अगर हम ऐसे देखने लगे, डॉक्टर है, लॉयर है, खेती वाला किसान है, मछली वाला है, सब्जी वाला है, अगर हम ऐसे देखेंगे तब तो फिर 1,00,000 करोड़ वैरायटी हो जाएगा, नहीं 1,00,000 करोड़ तो 1,00,000 तो जरूर हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन हम आखिर फिर कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो बोला आप एक अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इंसान चाहे जितना भी काम क्यों ना करे, लेकिन बेसिकली हम उसे 3 वोट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा पहला पार्ट आता है क्या, बिजनेस। यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ क्या दिया, बिजनेस। कहता है कि हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है, बिजनेस। तो आखिर बिजनेस क्या होता है, इस पे हमको पहले फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस के बाद हम लोगों को समझना है क्या, प्रोफेशन क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों को समझना है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये तीन चीजें हैं और ये तीन पार्ट किसका है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है ये तीनों। आगे चल के इसी बिजनेस को जो आप यहां देख रहे हो, इसी बिजनेस पे पूरा डिटेल पढ़ना है। यानी बिजनेस तो हम समझ लेंगे, लेकिन ये बिजनेस कितने टाइप का है, उसके फायदे उसके नुकसान, हम हर चीज को पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमको इन चीजों को डिटेल, मतलब ये जो चैप्टर नंबर 1 है बस यहां से इसका स्टोरी शुरू होता है, और इन्हीं 3 चीजों पर हम पूरा डिटेल फुल डिटेल में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ओवर हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का। अब अगर हम बात करें कि ठीक है, अभी तक तो हम समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो 3 ग्रुप में बांट दिया गया, मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो चाहे करोड़ों टाइप इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन हम उसे मेन 3 वोट कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बात आता है कि बिजनेस किसको कहते हैं, तो जनरली अगर आप हम सोचेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि यार बिजनेस किसको कहते हैं, लेकिन हमको समझना तो है कि बिजनेस क्या होता है। जनरली आप क्या समझते हो कि बिजनेस क्या होता होगा, किसी गुड्स को खरीद के लाना, दुकान में रखना और किसी कस्टमर को प्रॉफिट कमा के उसको क्या कर देना, बेच देना। दैट मीन्स शायद लगता है यही बिजनेस है, यानी बिजनेस है क्या, ये बिजनेस नहीं है, हाँ बिजनेस है। अच्छा बिजनेस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम एक फैक्ट्री लगा दें जहां रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में, और जैसे ये पेन है तो प्लास्टिक होगा, उस प्लास्टिक से हमने मशीन लगाया और मशीनरी में प्रोसेस करके हमने पेन बना दिया प्लास्टिक और इंक से। तो प्लास्टिक और इंक को प्रोसेस करके पेन बना देना, ये क्या है, ये भी बिजनेस है, यानी इसको क्या बोलते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मोबाइल फोन खरीद के लाए, अपने दुकान में रखे, इसके बाद हम इसको बेच दिए, ये क्या है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और इसके साथ साथ मोबाइल अगर खरीद लोगे तो कस्टमर क्या मोबाइल खाली मोबाइल से बात करेगा, इसमें सिम कार्ड चाहिए होगा, उसमें रिचार्ज चाहिए होगा। इसका मतलब कि सिर्फ सामान बेचना ही बिजनेस नहीं होता है, कभी कभी सर्विस देना भी बिजनेस होता है। आपने मोबाइल फोन रिचार्ज किया, बिजनेस है कि नहीं है, तो रिचार्ज करना क्या सामान बेचने के बराबर है, वो क्या है, आप सर्विस दे रहे हो, किसी को सेवा दे रहे हो।
तो बिजनेस क्या होता है उस चीज को पहले हम पढ़ते हैं, शुरुआत हम करें। उससे पहले तीन चीज दिमाग में बिठा लीजिए, किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी वस्तु का निर्माण करना यानी रॉ मटेरियल से यूजफुल थिंग्स में उसको कन्वर्ट करना, बिजनेस है। कहीं से कुछ सामान खरीद कर लाना, प्रॉफिट ऐड करना और उसको बेच देना, यह भी बिजनेस है। और आफ्टर सेल सर्विस भी देना, यह भी बिजनेस है। लेकिन इसमें जो सर्विस दिया था वो एक खास किस्म का सर्विस दिया था, क्योंकि सर्विस एक डॉक्टर भी तो देता है, एक लॉयर भी तो देता है, एक टीचर भी तो आपको सर्विस ही दे रहा है, लेकिन हम उसे बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसमें एक खास तरह का सर्विस ही दिया जाता है जो हम आगे देखेंगे। अभी देखो, चलिए देखते हैं पहले कि बिजनेस क्या होता है। देखो क्या बोला आपसे, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैरीड आउट रेगुलरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मोटिव। अरे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो तो कर रहेगा ही प्रॉफिट मोटिव। यहां से आप उसको देखिए, यहां से देखो, कह रहा है इट इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन, उत्पादन करना, परचेज एंड सेल किसका, गुड्स का, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अर्न मनी। यानी अभी हमने पढ़ा ना कि बिजनेस क्या है, तो इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी वस्तु का उत्पादन करना, या अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो खरीद के लाना और उसको बेच देना, या फिर सामान ही नहीं बेच, सामान खरीद रहे बेच रहे नहीं, हम इसके बदले में क्या कर रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो ये भी। यानी प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और आफ्टर सेल सर्विस, ये सब कुछ, इसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, बिजनेस का नाम देते हैं, इसको हम बिजनेस बोलते हैं। अब बिजनेस में कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बाई और सेल करना, और ये चाचा जी तुमको दिख रहे हैं अपने स्टोर के अंदर, मतलब ही क्या है, बिजनेस ही कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां दिया है, मैन्युफैक्चरिंग करना, ट्रेडिंग करना, माइनिंग है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या है, बिजनेस का ही एक पार्ट होता है। प्रोफेशन क्या होता है उसको समझो, प्रोफेशन किसको कहते हो, प्रोफेशन कहलाने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज होगा कंसर्न डिग्री, रिलेटेड डिग्रीज, मतलब एक खास स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए सबसे पहले। यानी सबसे पहला फोकस आपका कहां होना चाहिए, डिग्री पे, यानी एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो MBBS की डिग्री होनी चाहिए। क्या मैनेजर बनने के लिए हम MBBS डिग्री ले सकते हैं क्या, नहीं ना। अगर मुझे लॉयर बनना है तो हम MBBS कर लिए उसके बाद हम वकील बनने जाएं, बन सकते हैं क्या कभी, क्यों, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए उससे रिलेटेड डिग्री क्या है, MBBS ही है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री ले लो, UPSC निकाल के आप डॉक्टर बन जाओगे, पॉसिबल तो नहीं है कभी भी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो जो भी रिलेटेड डिग्री है, कंसर्न डिग्री है, जो हम बनना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक कंसर्न डिग्री होना चाहिए आपके पास। डिग्री के साथ साथ स्किल भी आपके पास होना चाहिए। स्किल का मतलब कि उस पर्टिकुलर काम को करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कि किसी काम को हम अच्छे से बेहतर तरीके से कर कैसे सकते हैं। यानी सिर्फ हमारे पास किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस काम से रिलेटेड। इसको हम उसके एक शब्द में क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। यानी हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने करके भी सीखा है, तो स्किल होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, उसके अंदर आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी तीसरा क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब तुम ये समझ सकते हो ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, मतलब एक सरकारी उपक्रम, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आपको अप्रूव करेगा कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। यानी किसी को भी किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए तीन चीज चाहिए। और प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि हम, मेरे पास पहला तो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए किसी काम का। हम देखेंगे अभी कि क्या लिखा हुआ, लेकिन हम थोड़ा लिखे होने से ज्यादा समझाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये तो किताब है, ये तो आप भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मेरे पास कंसर्न डिग्री होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर अगर अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है तो ये उसके लिए क्या है, एक प्रोफेशन है। लॉयर
अपने किसी क्लाइंट का केस लड़ रहा है और उसको जेल जाने से बचा रहा है, मतलब वो लॉयर के लिए क्या है, प्रोफेशन है उसका। ठीक ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहा है उसका, ये उसके लिए क्या है, प्रोफेशन है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा, मतलब ये क्या है, उसका प्रोफेशन है उसका। तो टीचर का बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर का अपने पेशेंट को ट्रीट करना, लॉयर का अपने क्लाइंट को बचाना, ये सब उसके लिए क्या है, प्रोफेशन है। लेकिन इस प्रोफेशन को प्रोफेशन कब कहोगे? तो प्रोफेशन को प्रोफेशन कहलाने के लिए पहला चीज जरूरी है कि कंसर्न रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, पहला। स्किल भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम LLB कर लिए लेकिन जज साहब के सामने जाकर उसको प्रेजेंट कैसे करना है, सबूतों को बताना कैसे, हमको आता ही नहीं, तो जज तो कोर्ट रूम से ऐसे ही भगा देगा फिर। तो हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोर्ट रूम में जाकर प्रेजेंट कैसे किया जाता है केस को, वो आपको आना चाहिए। डॉक्टर हम हैं, MBBS कर लिए लेकिन ऑपरेशन ब्लड देख के हम डरने लगते हैं, तो तुम कभी सक्सेस हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब तुम रोज ब्लड देखोगे, रोज चीरोगे, रोज फाड़ोगे, तो क्या होगा तुम्हारे लिए, ये एक कॉमन चीज हो जाएगा, तब तो तुम काम कर पाओगे। यानी तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और साथ ही साथ ये कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, जैसे MBBS की डिग्री आपने ले ली, इसके बाद आपको है ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका इनरोलमेंट होना चाहिए, तभी आप डिग्री होल्डर, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो। अदरवाइज आप MBBS स्टूडेंट हैं, MBBS डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आप डॉक्टर का जो प्रोफेशन है किसी का इलाज शुरू नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपने LLB कर लिया तो डिग्री आपके पास है, स्किल है, लेकिन आप किसी का केस नहीं लड़ सकते क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज्ड बॉडी कौन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें आपका इनरोलमेंट होना चाहिए। CA का डिग्री कर लिए लेकिन किसी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकते, जांच नहीं सकते, उसके लिए आपको ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब देखो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सारे डॉक्टर्स के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, चाहे डॉक्टर कोई भी हो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसी तरह से भारत में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं किसी भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, लेकिन कब, तो वो ICAI से उनको मान्यता मिलना चाहिए पहले, तब। ठीक वैसे ही भारत में जितने वकील हैं सारे लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, तभी वो किसी का केस लड़ सकते हैं, नहीं तो खाली काला कोट पहन के घूम सकते, केस नहीं लड़ सकते। यानी आप प्रोफेशन मतलब क्या समझे, तो किसी के पास भी एक कंसर्न डिग्री हो, स्किल हो, और इसके साथ साथ जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो, ये तीन चीज किसी के पास है। और उसके बाद अगर हम आपको सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब यही सर्विस देना मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए देखते हैं बुक क्या कहता है आपसे। कहता आपसे प्रोफेशन क्या है, एक जस्ट ऑक्यूपेशन है इन विच एप्लीकेशन स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी। बोला बहुत जरूरी है कि उसके पास एक नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। इसके साथ साथ बोला कि इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर होना चाहिए, इसमें खास किस्म का ही सर्विस होना चाहिए। जैसे अगर हमने MBBS किया तो हम डॉक्टर ही बन सकते हैं, आप चाहिएगा कि MBBS करके हम लॉयर बन जाए, वो चीज नहीं हो सकता आपके पास, है ना। दे गेट फीस एज रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज, उनके काम के बदले में उन्हें जो रिवार्ड मिलता है वो प्रॉफिट नहीं कहलाता, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको आप फीस कहोगे। जैसे आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को क्या दोगे, फीस दोगे या फिर प्रॉफिट दोगे, कमीशन दीजिएगा डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर को जब हम दिखाते हैं बीमार होने पर तो हम उसको क्या देते हैं, फीस। टीचर को क्या देते हो, फीस बोलते हैं ना उसका कॉलिंग नेम, फीस। लॉयर को क्या देते हो आप, फीस। यानी जहां प्रोफेशनल बॉडीज ने आपने प्रोफेशन लिया, आपने सर्विसेज ली, तो उसके बदले में जो रिवार्ड आप उनको देते हो उसको क्या बोलते हो, फीस बोलने लगते हो। वो प्रॉफिट नहीं होता, कमीशन, इंसेंटिव, इंटरेस्ट नहीं होता, उसका नाम क्या हो जाता है आपके लिए, तो कहा गया उसको हम रिटर्न में फीस देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है आपके पास, डॉक्टर का सर्विस, लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब प्रोफेशन के बाद अब आते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट पर। देखो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये दोनों एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है।
लेकिन दोनों में एक पॉइंट डिफरेंस है सिर्फ। हमने क्या देखा, प्रोफेशन में किन चीजों का होना जरूरी था? तो प्रोफेशन में हमने पढ़ा कि डिग्री हो, स्किल होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होना चाहिए, और इन तीनों के साथ हम किसी को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या था, प्रोफेशन। बस एक चीज यहां पे हटा दो, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसमें अप्लाई नहीं होता, इसी के बदले में यहां पर अग्रीमेंट अप्लाई हो जाता है। अग्रीमेंट का मतलब मेरे और आपके बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने आपको ऑफर किया, ठीक है कल से आ जाना, तो मेरा और आपके बीच जो समझौता हो गया उसी को हम फिलहाल इतना समझते हैं कि वही अग्रीमेंट होता है। हमको लॉ नहीं पढ़ना, इसलिए हम इतना जान सकते हैं कि मेरा आपको ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कल से हम आपको 15,000 देंगे इस काम के लिए, ठीक है कल से आप आ सकते हो काम के लिए। तो मेरा आपके बीच जो अग्रीमेंट हो गया हम उसी को क्या बोलते हैं, यहां पे अग्रीमेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब क्या है, डिग्री मेरे पास हो, स्किल भी होना चाहिए, लेकिन यहां कोड ऑफ कंडक्ट यानी उस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में हम जाके रजिस्ट्रेशन कराएं ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, किसी के अंडर कंट्रोल में जाके काम कर रहे हैं, किसी के अंदर में काम कर लिए, इसका मतलब कि वही मेरे लिए क्या बन जाएगा, तो हम उसी को क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप अपनी भाषा में कह सकते हो नौकरी, नौकरी करना। जैसे देखिए एक टीचर, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन यही काम अगर हम कर रहे हैं आपके स्कूल में जाके, हम ही पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी आप हो, बस इस जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा रहे आपको, आपको कहां पढ़ा रहे हैं, स्कूल में। मतलब डिग्री मेरे पास है, कैसे डिलीवर किया जाए किसी कंटेंट को ये पता है, मतलब स्किल है, लेकिन मेरे पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट मेरी, मेरा खुद का कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आपके स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा और स्कूल के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया कि आपको आना पढ़ाने के लिए, इसका मतलब हम प्रोफेशन नहीं है। मेरे लिए क्या हो गया, ये किसमें आ गया, एम्प्लॉयमेंट में आ गया, एकदम क्वाइट डिफरेंस, एकदम थोड़ा सा सिर्फ। एक डॉक्टर उसने अपने क्लिनिक को शुरू किया, खुद का क्लिनिक उसने शुरू किया, ये क्या है उसके लिए, प्रोफेशन है, क्योंकि डिग्री है, स्किल है, और हॉस्पिटल शुरू करने से पहले उसने लाइसेंस लिया होगा। तो अगर एक MBBS होल्डर ने अगर खुद का क्लिनिक शुरू किया तो वो उसके लिए प्रोफेशन है, लेकिन वही डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर अपना सर्विस दे रहा है, नौकरी करता हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हो, तो वो क्या है उसके लिए, एम्प्लॉयमेंट है। क्यों, डिग्री और स्किल तो है लेकिन उसके खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं, वो किसी के लिए काम कर रहा है। तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस समझ में आया। प्रोफेशन में क्या होता है कि सारा रिस्क आपका, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क आपका नहीं, जिसने आपको हायर किया रिस्क उसका है। एम्प्लॉयमेंट में सारा रिवार्ड आपका, सारा फायदा आपका, सारा नुकसान भी आपका, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं है। आपको आपके काम के बदले, आपके सर्विसेज के बदले में महीने के अंत में क्या मिलेगा, सैलरी, बाकी रिस्क रिवार्ड सब समझे मेरा एम्प्लॉयर, उससे मतलब नहीं, मतलब हमको ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं, महीने के लास्ट में एक फिक्स सैलरी मिलना है आपने, इतना ही काम होता है। समझ में आ गया बात। तो कुल मिलाकर ये आप देख सकते हो, चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। कहता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब उस एक्टिविटी से है जो किसी इंडिविजुअल ने रेगुलर वर्क किया है, किसके लिए, तो किसी अनदर पर्सन के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। देखो साफ साफ लिखा है, यानी एक एम्प्लॉयमेंट का मतलब उस एक्टिविटी, उस काम से है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लगातार किया गया, लेकिन खुद के लिए नहीं, किसके लिए, किसी दूसरों के लिए, मतलब अपने एम्प्लॉयर के लिए, और उसे उस काम के बदले क्या मिला, तो गेट रेमोनरेशन इन रिटर्न। रेमोनरेशन मतलब होता है सैलरी एंड वेजेस इज इक्वल टू रेमोनरेशन, है ना। सैलरी का मतलब फिजिकल मेंटल वर्क कर रहे हो, और वेजेस मतलब मजदूरी, मतलब कुछ फिजिकल वर्क कर रहे हो आप, तो सैलरी और वेजेज प्लस इज इक्वल टू, एक शब्द में क्या बोलता है, रेमोनरेशन, मतलब मेहनत आना, जो भी मुझे रिटर्न मिला। तो इस काम के बदले में इन्हें क्या मिलेगा, जस्ट एक रेमोनरेशन, जिसे आप सैलरी, सैलरी या फिर आप उसको वेजेस का नाम दे सकते हो, है ना। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय, जिसे रखा गया है, मतलब जो इस प्रकार का कोई सर्विस दे रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। और जिसने आपको रखा वो कौन हो जाता है, एम्प्लॉयर हो जाता है, ठीक है ना। बस यही चीज आपको कौन बता रहा है, एम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत है, यानी कुल मिलाकर हमने अभी देखा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यानी ये तीन चीज क्लियर हो गया। चलो फटाफट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम इतना कुछ सीख चुके हैं तो इन सब के बीच में कंपैरिजन भी हम बड़ा आराम से कर लेंगे अब, और
आगे के क्लास के लिए छोड़िएगा, 5 मिनट लगेगा, इसको भी थोड़ा फटाफट कर लेते हैं ताकि ये चीज हो जाए। देखिए, अगर आप बिजनेस की बात करोगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों के बीच कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तीनों में डिफरेंस क्या है। बिजनेस बोला, सबसे पहले तो हमने बेस डिसाइड किया कि किस आधार पर आप कंपैरिजन करना चाहते हो। बेस बहुत जरूरी होता है। जब भी आपसे कभी डिफरेंस लिखने के लिए पूछा जाए, किसी भी चीज का डिफरेंस बोले आपसे, पहला काम कीजिए कि बेस जरूर बनाइए। बेस नहीं बनेगा, नुकसान लगेगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कमेंसमेंट। बिजनेस का शुरुआत कैसे होता है, कहां से होता है, एंटरप्रेन्योर समझते हो, एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस शुरू करना, जस्ट शुरू कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है उसमें, कोई आगे पीछे, कोई कुछ नहीं, बस। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन जो मार्केट को स्कैन करता है कि बाजार में क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, पैसा लगाता है, रिस्क बेयर करता है और कुछ नया क्रिएटिव आइडिया लाता है और उसके बाद जोखिम उठा के कुछ नया करने की कोशिश करता है। हम उसे एक शब्द में उस पर्सन को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो सर क्या एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन एक है क्या? बिल्कुल नहीं। बाजार में 10 कपड़े का दुकान है, वहां एक कपड़े का दुकान तुम भी खोल दो, आप बिजनेसमैन है। लेकिन एक भी कपड़े का दुकान किसी गांव में नहीं था और बहुत जोखिम लगा के आपने पहली बार शुरू किया, मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो। तो बिजनेस का शुरुआत कहां से होता है, बोला बिजनेस स्टार्ट विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। जस्ट एंटरप्रेन्योर ने एक डिसीजन लिया और बिजनेस शुरू हो गया, यह हो सकता है बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन ऐसा कर सकते हो क्या? कल ही हमको बहुत तकलीफ हुआ, कल हम बहुत बीमार थे और अगली सुबह उठे जैसे ठीक हो, बोले अब तो हम डॉक्टरी शुरू कर देंगे कल से, कर सकते हो क्या? नहीं। तो प्रोफेशन में आने से पहले आपको क्या करना होगा, तो जो कंसर्न डिग्री है, पहले डिग्री कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे। तुम्हारे सोचने ने सोचने से तुम प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं देने लगोगे, तो डिग्री के बाद ही ये शुरू हो पाएगा। और इंप्लॉयमेंट, नौकरी कब से शुरू होता है, तो जैसे ही सर्विस अग्रीमेंट हुआ। सर्विस अग्रीमेंट मतलब कि मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है कल से ज्वाइनिंग लेटर ले लो, कल से आ जाना, इसको आप एग्रीमेंट कहते हो। तो जैसे अग्रीमेंट मेरे और आपके बीच हो गया, इसका मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। इसके बाद क्वालिफिकेशन देखो, बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ऐसे तो समझदार व्यक्ति बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टैक्सेशन का नॉलेज होना चाहिए, जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, बिल्स का नॉलेज होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज। बिजनेस करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, डिग्री चाहिए, नॉलेज चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं भी कंपलसरी नहीं करके रखा कि बिजनेस करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस आलू प्याज बेचने से तो शुरू हो सकता है, तो छोटे लेवल से बिजनेस शुरू होगा तो उसके लिए डिग्री कैसे कंपलसरी रखा जा सकता है। इसलिए बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके लिए तो आपको पता है, और इसके लिए भी पता है आपको कि प्रोफेशनल के लिए क्या चाहिए, जो प्रिस्क्राइब नॉलेज है, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड डिग्री होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, नौकरी के ऊपर, कि आप काम क्या करना चाहते हो, जैसा काम वैसा डिग्री। इसके बाद आपसे कहा गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि पैसा कितना लगेगा उसको शुरू करने में, यानी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर हम इनको शुरू करना चाहते हैं तो पैसा कितना लगेगा। तो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को कंपेयर कीजिए, सबसे ज्यादा पैसे का जरूरत कब होगा, बिजनेस में कि प्रोफेशन में कि एम्प्लॉयमेंट में। सोचो, बिजनेस में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में गुड्स लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन में क्या करोगे कि कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट है, मशीनरीज वगैरह है, वो लगा के आप प्रोफेशन क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। मतलब बिजनेस के कंपैरिजन में इसमें क्या होता है, थोड़ा कम पैसे का जरूरत है। लेकिन अगर आप इसमें जाओगे, इसमें क्या होता है, पैसा ही क्यों लगाओगे, नौकरी करना तो पैसा क्यों लगाना है। मतलब इसमें कैपिटल का ज्यादा जरूरत है, इसमें इसे थोड़ा कम, और इसमें क्या है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद कंपैरिजन हम करते हैं रिस्क के ऊपर। तीनों में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। गुड्स खरीद के लाए, हो सकता है एक्सपायरी हो जाए, लीकेज हो जाए, स्पॉइल हो गया। तो इन तीनों में सबसे खतरनाक रिस्क किसके ऊपर होता है, बिजनेस, मतलब सबसे ज्यादा रिस्की, ये थोड़ा कम। और नौकरी में रिस्क ही क्या है, महीना खत्म होगा, रिस्क तो तुम्हारा एम्प्लॉयर ले रहा है, तुमको तो महीने के लास्ट में क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो इसमें तो रिस्क ही नहीं है। यानी ओवरऑल इसके साथ साथ कुछ और भी है, उसको देख लो। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना। और सर्विस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड, सर्विस देना।
और नौकरी करने का मतलब क्या होता है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न सैलरी अनसेटिस्फाइड टू द एम्प्लॉयर। मतलब मुझे भाई तनख्वाह दे दो और मालिक को क्या चाहिए, उसकी मर्जी का काम। मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा सैलरी से और मालिक को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, अच्छे का काम कर दो बस काम खत्म है। इसके बाद दिया कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट तो हमने लिखा ना, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में मेरा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। तो बिजनेस के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, लागू नहीं होता। इसके लिए बिल्कुल होता है, जो सर्विसेज आप देना चाहते हो उससे रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा। जैसे हमने कहा भी कि डॉक्टर बनना चाहते हो तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन हो, अगर हम ऑडिट करना चाहते हैं तो हम सीए हैं तो हम आईसीआई में एनरोलमेंट होंगे, वकील बनना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट होता है। यानी अग्रीमेंट क्या होता है, जिस शर्तों पर हम और आप अग्री हो गए, हम और आप सहमत है काम करने के लिए, मतलब जिस कंडीशन के साथ हम और आप अग्री हैं, यहां ठीक है तुम काम करने को तैयार हो और हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, जिन शर्तों पर, वही शर्त क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो जहां शर्त तैयार हो गया तो वो जॉब शुरू हो जाता है। इसके बाद दिया नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, बोला इसमें कैसा काम होता है, तो हम अभी डेफिनेशन में देखे थे कि बिजनेस में कैसा काम करते हो, किसी गुड्स का प्रोडक्शन, परचेज, सेल, सर्विसेज, यही ना काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि पर्सनलाइज सर्विस देते हो, एक खास किस्म का सर्विस देते हो। अगर हम MBBS कर लिए तो हम डॉक्टर ही बन सकते हैं, वकील नहीं बन जाएंगे। किसी ने LLB किया तो लॉयर ही बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो स्पेशलाइज सर्विस हम दे पाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो बोल रहा है कि हम कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं कि जो मेरा एम्प्लॉयर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद लास्ट हम लोग का ऑप्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिवार्ड। रिवार्ड कहता है आपसे कि बिजनेस का रिवार्ड क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेस का ऑलमोस्ट रिवार्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, तो प्रॉफिट। इसमें क्या मिलता है, फीस पढ़ा हमने, और इसमें एट लास्ट आपको क्या मिलता है, सैलरी, कमीशन, इंसेंटिव, यही सब चीज। तो कुल मिलाकर देखो आज के क्लास में हमने अभी तक कवर किया ह्यूमन एक्टिविटी, उसमें इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीन ग्रुप, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीन चीज़ें, और इन तीनों को डिटेल में पढ़ा, और इन तीनों के बीच जो क्लासिफिकेशन हो सकता था वो चीज़ हम डिस्कस कर लिए।